ये होता है मंडी का हाल सुबह मॉर्निंग में। भाई मेरी धक्का हो गई बिकॉज वेलकम बैक टू माई चैनल। और हाँ, आज सुबह सुबह यार मुझे ना मंडी जाना है, जो कुमाऊँ की सबसे बड़ी मंडी है हल्द्वानी में। और हाँ, अब थोड़ा सेटअप मैंने चेंज किया तो बताना यार कि कैसा लग रहा है, मतलब मैं थोड़ा एंगल चेंज किया तो बताना कैसा लग रहा है। बाकी फटाफट चलते हैं अपने काम फिनिश करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो फाइनली यार जस्ट पहुँचने वाला है, इनफैक्ट एक सामने रहा मंडी का गेट और जाम नहीं है वरना मैं यहाँ पर बहुत सारा जाम लगता है यार। सुबह के टाइम पे ना खरीदारी चल रही होगी बहुत बड़ी। चलो यहीं से चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ भी देखना आपका जाम पैक्ड मतलब हाँ जाम भी पैक्ड है। ये होता है मंडी का हाल सुबह मॉर्निंग में। ऐसा जाने का जगह देंगे हमें ये मूड में। हाँ जी हाँ, वैसा अंकल। चलो भाई हमने अपनी पकड़ ली है स्पीड, यहाँ से मारते हैं एक का लेफ्ट को सॉरी। चलो भाई अब थोड़ी देर कैमरा करते हैं बंद और अपना काम करते हैं चालू। अरे चाबी निकल जा, अरे निकल यार, अरे क्या हो रहा है। अरे दिक्कत दे रही है यार। चलो भाई ना काम फिनिश करते हैं। तो भाई हमारा काम हो गया है बिकॉज विक्की भाई ने यार सारा काम पहले ही फिनिश कर दिया, कुछ चंद मिनटों का सारा काम हमारा। ऑल गुड गुड टू गो। बाकी हम अपने चलते हैं दूसरे रास्ते से बिकॉज ऊपर वाले रास्ते में बहुत भीड़ है। लेकिन यार मैंने ना सब्जी भी ले ली है। चलिए भाई साहब, भाई जब से मैंने गोप्रो मॉल दिया ना हेलमेट में, तब मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। बुखार हूँ मैं, जैसे बुखार आतंकवादी को देखा जाता है वैसे ही देखा जा रहा है मुझे। चलो भाई ये पैक्ड हो गया। भाई साहब गोभी कैसा चाहिए? गोभी तो अच्छा लगता है। हेलो गोभी 200 रुपये थाली। 200 रुपये थाली भी। अरे हमें तो वाले हैं यार एकदम, तो एक आध किलो नहीं मिल पाएगी हमें। 100 रुपये की ना खाएगा कौन यार यहाँ तो ना, हमें वो नहीं मिलेगा। एक आध किलो वाला है, पूरा ही करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी दुकान ढूंढते हैं। गोभी 40। बड़े बड़े निकालो तो ज़रा यार, एक किलो निकालना। फाइनली गाइस ऑल सेट गुड टू गो। ओहो, और अब चक्कर ना वहाँ चलते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि आज नाश्ते में ना ले जाने का मन है मेरा। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पे। तंदूर जलेबी, तो फाइनली गाइस जलेबी तो हमने ले ली है, बट यार हमें समोसे नहीं मिले। बट कोई ना, वैसे मेरी बात हो गई है, दूसरी दुकान से लाएंगे अभी। तो ऑल सेट गुड टू गो। बाकी फाइनली हमने दोनों आइटम हमने ले लिए, अब सीधे मिलते हैं आपसे अपने घर में, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस जैसे अभी घर पहुंचाऊंगा और हाँ नाश्ते में भाई साहब मैंने दिखाया आपको गर्मा गर्म जलेबी और समोसे। बाकी अब टेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो कैसे यार, इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच चल रहा है। बाकी देखो बैटिंग सब अच्छी करते हैं ना, बट जो इसका है सूर्य कुमार यादव, मतलब भाई साहब उसकी बैटिंग ना देखने लायक होती है, मतलब रुकता नहीं भाई साहब बैट भाई का। मतलब 49 पे खेल रहा है अभी और एक छक्का मारा है अभी सीधे कीपर के ऊपर से, मतलब ये है भाई बैटिंग यार 360 डिग्री जो प्लेयर बोलते हैं ना। असली में बात है भाई, पाकिस्तानी पहुँच गए हैं, चोप फिर से कर गया साउथ अफ्रीका। ये क्या कर रहे हैं नादी, मज़ा आता है। मतलब यार लास्ट बॉल में जो शॉट मारा है 88, बाकी 186, ऑल गुड गुड टू गो। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे जिम्बाब्वे की बैटिंग, ठीक है, थोड़ा अपना काम फिनिश कर लेते। तो यार मैं तो जैसे अभी मैच देखने आया था, बट यहाँ तो मैच ही खत्म हो गया है। इंडिया ने ऑल आउट कर दिया भाई, 71 रन जीती है 71। बाकी मौसम भी यार अभी ना, पहले बाहर चलते हैं भाई साहब। सडनली ना सीधे गोप्रो यार दिखा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अब ठीक चल रहा है अभी तक तो, जैसे ही मतलब टू टू हुई सीधे बंद हो गया और दिखाया मेमोरी कार्ड एरर। भाई मेरी धक्का हो गई बिकॉज मैटर बहुत सारा है अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको चार्ज भी कर लेते हैं, इनफैक्ट अंदर ही चलते हैं यार, यहाँ ठंडा हो रहा है। तो यार खाना खा के जस्ट अभी रूम पे आया हूँ। और हाँ कमेंट्स में बताना
सच्चे दिल से कि किस किस को लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का भाई फाइनल होने वाला है 2007 वर्ल्ड कप की तरह। मतलब भाई देखो, मैं तो ना श्योरिटी के संग कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का होगा फाइनल और जीतेगी इंडिया। बाकी अभी विश्राम करते हैं इस ब्लॉग को, मतलब विश्राम देते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल। सी यू सून, बाय। जय हिंद, गुड टू गो, बाय।